नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और लाइव लगातार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं बोकारो से दिनेश कुमार पांडे और पेश है बोकारो जिले की साप्ताहिक डायरी। जी अब खबरें विस्तार से। मैं बता दूं कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग से के तहत जितने स्कूलें हैं उन स्कूलों द्वारा जो खाता शून्य कर विभाग को राशि जमा नहीं कर पाए हैं उनके खिलाफ डीसी ने अब आदेश निर्गत कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। जबकि बोकारो में 5 सीएनजी स्टेशन भी खोलने की तैयारी है और जिसके कार्य रूप भी दिए जा चुके हैं। अब तक के इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो 277 एमएम बारिश हुई है और बारिश के बाद किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं और तमाम किसान अब खेती का काम भी संपन्न करने में जुट गए हैं। जबकि चास नगर निगम की अगर चुनाव की बात मैं करूं तो आसन चुनाव को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन ने मेयर पद के प्रत्याशी को 10 लाख और वार्ड पार्षद उम्मीदवारों को 25,000 रुपये खर्च करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जबकि बोकारो के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 19 घटनाएं प्रतिवेदित की गई है। जबकि चंदन कियारी बेरमो में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी मंजूरी दे दिया गया है। पुलिस ने इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस सप्ताह गांधी नगर से करीब 10 टन कोयले चोरी की जब्त किया है और उस धंधेबाज के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। भूमि विवाद के कुल 23 मामले इस बार आए हैं। इसमें से कुल 3 मामले प्रतिवेदित हुए हैं जबकि अन्य मामले की जांच शुरू है। वहीं सड़क दुर्घटना में अब तक इस सप्ताह में कुल 4 लोगों की जाने जा चुकी है जबकि वज्रपात से भी कुल 4 लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में मौत होने की खबर है। वहीं 12 तालाबों पर 2 एकड़ का अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया है जिसे माफी कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो हवाई बोकारो हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के बाद अब जो है सौर ऊर्जा से बिजली देने की तैयारी भी जिला प्रशासन समेत हवाई अड्डे के प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी है और इसके लिए निरीक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है और 2 बार अब तक इस सप्ताह में निरीक्षण किए जा चुके हैं। जबकि तंबाकू बेचने वाले विभिन्न लोगों से करीब 7,000 रुपये इस सप्ताह बतौर जुर्माना वसूला गया है जबकि वहीं ट्रैफिक पुलिस ने 3 लाख से ऊपर रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल चुकी है। अब कोरोना की अगर मैं बात करूं तो कोरोना की खतरा अभी फिलहाल तो टल गया है लेकिन अब तक बोकारो जिले में कुल 81 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अभी 42 मामले बोकारो में अभी भी सक्रिय हैं। वही बारिश के बाद अब किसानों ने विभिन्न जिले के विभिन्न विभागों में खेती का काम शुरू कर दिया है जबकि इस सप्ताह शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद पर भी संपन्न करा दिया गया है। अब मैं बात यदि करूं कि छिटपुट मामले को छोड़कर तो जिलाधिकारी ने कई ऐसे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं जबकि कल चास के प्रखंड मुख्यालय और अंचल मुख्यालय की औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने गायब रहे कर्मियों एवं अधिकारियों को 100 पौज पूछने के बाद उन पर कार्रवाई करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। ऐसी स्थिति में कई अधिकारियों पर अब गाज गिरने की भी संभावना प्रबल हो गई है। जबकि अभी क्राइम की मैं अगर बात करूं तो अब तक कुल लगभग 0.5 दर्जन लोग जो हैं आत्महत्या कर चुके हैं जो विभिन्न थानों से हैं जबकि अभी तक हत्या के इस सप्ताह 3 मामले प्रतिवेदित किए जा चुके हैं। हालांकि कोई भी घटना परोक्ष रूप से ये जो है अपराध की वैसी नहीं घटी है जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई हो लेकिन जो शव बरामद विभिन्न जगहों से हुए हैं उन मामलों में पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में 3 लोगों की हत्या कर दिए जाने की समाचार प्रकाश में आया है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।